हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्समैन मॉड्यूल के बारे में और ब्रोकर मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्समैन मॉड्यूल और ब्रोकर मॉड्यूल होता क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि आपके यहाँ पर सेल्समैन वर्क करते हैं, ठीक है, और सेल्समैन को या फिर ब्रोकर को आप क्या देते हैं, कुछ कमीशन देते हैं। तो अभी तक काफी सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर के थ्रू सेल्समैन को मेंटेन करते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एड ऑन, इस एड ऑन की हेल्प से आप सेल्समैन को जब आप बिल बना रहे हैं, बिल बनाते टाइम पे आप सेल्समैन को वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसने कौन सा सेल्स किया है। सेकंड, जब आप बिल प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के टाइम पर भी आपको वहां पर सेल्समैन का नाम दिखाएगा और उसका एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएगा कि इस सेल्समैन ने टोटल कितनी, सपोज कीजिए आपके यहाँ पर 10 सेल्समैन काम करते हैं, ठीक है, तो एक सिंगल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि किस सेल्समैन ने कितना सेल किया है। या फिर अगर आप कोई ब्रोकर ब्रोकर को आप कमीशन देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि किस ब्रोकर को आपने कितना कमीशन दिया है। तो आइए चलते हैं टेलीप्राइम में और जानते हैं कि किस तरीके से आप इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे देखिए, पहले फ्रेंड सबसे पहले मैंने प्राइम ओपन कर लिया है और प्राइम ओपन करने के बाद मैंने F11 में यहाँ पर अपना जो TCP है वो मैंने यहाँ पर कॉन्फिगर कर दिया है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अभी मैं आऊंगा वाउचर पर जैसे ही मैं सेल वाउचर में आऊंगा तो देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पार्टी नेम के बगल में, सेल्समैन, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेल्समैन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पार्टी ले लेता हूँ कि मैं रजत इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने सेल्समैन फ्रेंड, दो सेल्समैन मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, एक मैंने बनाया है रमेश कुमार और एक मैंने बनाया है लाल रामलाल। फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेल्समैन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रामलाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कीजिए रामलाल मेरा ब्रोकर है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर 5% ऑटोमेटिक लिया गया है। यहाँ पर देखिए जब मैंने लेजर्स बनाया है तो लेजर में मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि रजत इलेक्ट्रॉनिक्स को जो मेरा ब्रोकर सेल करता है वो कौन करता है, रामलाल करता है, और वो रामलाल कितना कमीशन लेता है, 5% कमीशन लेता है, ठीक है। तो ये मैंने फिट कर दिया है, चाहे अगर आप नहीं चाहते हैं फिट करना तो आप नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। पर मैंने क्या किया, पहली कंडीशन में आपको बता रहा हूँ जहां पर मैंने क्या किया, रजत इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर पर ही मैंने बता दिया कि यहाँ पर मेरा कौन सा सेल्समैन या कौन सा ब्रोकर वर्क करता है और कितना कमीशन वो चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रामलाल ले लिया है, एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 5% कमीशन। आइटम मैं कोई भी ले लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने आइटम ले लिया है, गोडाउन से मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्वांटिटी मैंने ले लिया है 1, रेट मैंने डाल दिया इसका 15,000, ठीक है फ्रेंड्स। के बाद मैं यहाँ पर अपने लेजर सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर एंटर करके मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा मैंने कोई कैश सेल किया है। यहाँ पर वैसे सेल्समैन पूछ रहा है, मैंने बोला रमेश कुमार ने। यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए जो सेल्समैन है ये मेरे ऑफिस में ही वर्क करता है या फिर मेरी दुकान पर ही रहता है, तो इसको मैं कोई कमीशन पे नहीं करता हूँ, बाद में लास्ट में मैं इसका कमीशन देखता हूँ कि कितना इसने सेल किया है टोटल। तो मैंने यहाँ पर खाली ले लिया है, कमीशन मैंने कुछ नहीं लिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। आइटम्स मैं कोई भी एक आइटम ले लूंगा, यहाँ पर मैंने आइटम ले लिया है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, क्वांटिटी 15 ले लिया मैंने और 1,000 रुपीज ईच ले लिया। एंटर एंटर करके देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले तो मैं सबसे पहले आपको बिल प्रिंट दिखा देता हूँ, मैंने पेजअप किया है और पेजअप करके देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं लास्ट बिल के, अभी मैंने देखिए दो बिल यहाँ पर बनाए, डेबुक में मैं गया हूँ, मैंने यहाँ पर देखिए ये एक तो मैंने रजत इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल बनाया था। अगर मैं इसका ऑल्ट पी करके आपको दिखाऊंगा, प्रीव्यू इसका दिखाऊंगा आपको, तो ये देखिए सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर सेल्समैन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नाम से, अगर आप इसे चाहते हैं कि सेल्समैन प्रिंट हो जाए तो सेल्समैन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सेल्समैन का नाम कि ये सेल किसने किया, बिल पर ही प्रिंट हो जाएगा कि इस बिल को जो सेल हुई है इसमें सेल्समैन कौन था, डेट इज रामलाल। इसका बेनिफिट्स क्या होगा फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट्स ये होगा जब भी कोई कस्टमर, सपोज कीजिए कस्टमर कल के दिन आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, प्रोडक्ट को लेकर वो कोई भी इंक्वायरी करता है, तो वहां पर जो कस्टमर है, कस्टमर वहां पर बता सकता है कि सर इस पर जो सेल्समैन था वो रामलाल था, ठीक है, तो रामलाल से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा मैं रिपोर्ट्स पर, तो इसके लिए रिपोर्ट्स में हम जाएंगे सर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपको सेल्समैन रिपोर्ट एक ऑप्शन दे दिया है,
एंटर आप करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर सेल्समैन के नेम आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं खाली रामलाल का देखना चाहता हूं, तो देखिए राइट हैंड साइड पर मेरे को फिल्टर्स दे रखा है। मैं यहां पर F5 प्रेस करूंगा तो मेरे से पूछेगा कि किस सेल्समैन का आप रिपोर्ट देखना चाहते हो। मैंने बताया कि मैं रामलाल का रिपोर्ट देखना चाहता हूं, तो ये देखिए रामलाल ने मेरा कौन कौन सी सेल करी हुई है। रामलाल बेसिकली मेरा क्या था, रामलाल मेरा एक ब्रोकर था। अब ब्रोकर को मैंने यहाँ पर देखिए कमीशन दिया है, 2% कैश सेल पर दिया है रजत इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें मैंने 5% फिक्स किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेल्समैन की या फिर ब्रोकर की रिपोर्ट देख सकते हैं। मंथ एंड में आप देखना चाहते हैं कि ब्रोकर ने टोटल कितना सेल किया। देखिए ये जो सेल आ रही है ये विदाउट टैक्स आपके आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि टैक्स के साथ आपको दिख जाए तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की दे रखी है, डेट इज ऑल्ट वी ऑन अमाउंट। ऑल्ट वी जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये मेरी टैक्सेबल अमाउंट के साथ आ गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट मेरे को यहाँ पर बता रही है कि जो मेरा रामलाल है, रामलाल ने क्या किया है, मेरा रामलाल ने मेरे यहाँ पर 18,500 रुपए की टोटल सेल करी, ठीक है। अगर मैं इसमें टैक्सेबल वैल्यू देखना चाहता हूँ, खाली टैक्सेबल की टैक्स मेरे को खाली टैक्सेबल वैल्यू दिखा दे, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट वी प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड में फिल्टर है, तो ये देखिए 15,908 रुपए, ठीक है। अगर मैं इसका टोटल लास्ट में देखूंगा तो टोटल आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ देखिए अभी मैं देख सेल्समैन, ये तो मेरा एक सेल्समैन था, अभी मैं दूसरे सेल्समैन की देखना चाहता हूँ, रमेश कुमार की। तो रमेश कुमार देखिए मेरा ब्रोकर नहीं था, तो रमेश कुमार की यहाँ पर टोटल सेल आ जाएगी। रमेश कुमार ने टोटल कितना सेल कर रखा है, 12,811 रुपए का। वहीं अगर मैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को टोटल सेल दिख जाएगी कि जो टोटल सेल रमेश कुमार ने करा है वो कितना किया है, 15,118 रुपए। ये आपकी टैक्सेबल टैक्स के साथ। तो फ्रेंड्स इस मॉड्यूल से क्या होगा, इसमें आपको एक तो सेल्समैन आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। दूसरा आप ब्रोकर, अगर आप किसी कस्टमर को ब्रोकरेज देते हैं तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रोकर को अगर कमीशन पे करते हैं तो उसको भी आप इजिली टैली में मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एडिशनल ना ही कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ना ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कोई परचेज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए कुछ टाइम क्या होता है, किसी किसी सपोज कीजिए कि कोई मेरी पार्टी है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई मेरी पार्टी है और वहां पर क्या है, वहां पर मेरा ब्रोकर भी फिक्स है और परसेंटेज भी फिक्स है। कई बार होता है कि मैं कुछ मेरी सिलेक्टेड पार्टीज होती है जिसमें ब्रोकर फिक्स होता है, देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा जब आप क्रिएट करेंगे लेजर। सपोज कीजिए किसी कोई भी एक नया लेजर आप क्रिएट करेंगे, अभी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया है जैसे कोई भी एक लेजर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स और इसको मैंने ले लिया डेटर्स में। जैसे आप डेटर्स में एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेल्समैन का एक ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ब्रोकर कौन है। सपोज कीजिए कि अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स को रमेश वहां पर सेल आउट करता है, ठीक है, और रमेश अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई भी सेल करता है तो वहां पर 2 या 10% कमीशन चार्ज करता है। तो अभी देखिए ये मैंने फिक्स कर दिया, तो ये आप फिक्स भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जब आप सेल करेंगे और अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो देखिए यहाँ पर रमेश कुमार ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसका कमीशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो आपको मैन्युअली फिट नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये एड ऑन आपको कैसा लगा, ये कस्टमाइजेशन आपको कैसा लगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए। अगर आपको इसका डेमो दिखाना है तो वो उसके लिए भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं इसका डेमो आपको दिखाऊंगा। और अगर इम्प्लीमेंट भी करवाना है तो आप कॉल पर बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं, मेल हमारी है info@softtechsolution.in। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए ही इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।